गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 11, पेरीमीटर एंड एरिया। लेट अस स्टार्ट विद पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर इज पेरीमीटर। कोई भी फिगर, उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, उसे हम उसका पेरीमीटर कहेंगे, चाहे वो फिगर किसी भी शेप की हो। एरिया, उस फिगर के अंदर वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज एरिया, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर या द रीजन यूज्ड अप कवर्ड बाय दैट फिगर। कोई भी फिगर कितना स्पेस कवर कर रहा है, उसको हम उसका एरिया कहते हैं। फर्स्ट इज स्क्वायर, स्क्वायर इज अ फिगर दैट हैव इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ। जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। इसकी चारों साइड बराबर होती है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सपोज वन साइड इज ए सेंटीमीटर, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, इट मींस ऑल साइड आर ए सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर इज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 4a, और वी कैन राइट इट एज 4 इंटू साइड और 4a। एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट मींस ये स्क्वायर कितना स्पेस कवर कर रहा है, दैट इज साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, और वी कैन राइट इट एज साइड स्क्वायर, साइड रेज टू द पावर 2, इट मींस साइड मल्टीप्लाई साइड। फॉर एग्जाम्पल, suppose its side is 3 centimeter, so perimeter of square which is 4 multiplied side, it will become 4 multiplied 3, that is 12 centimeter। area, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर और साइड मल्टीप्लाई साइड, इट मींस 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा यूनिट की पावर स्क्वायर होती है, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर और इट विल बी मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें हमेशा एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, उसमें पावर 2 होती है। पेरीमीटर में जो भी यूनिट दी हुई होती है उसी में हम उसे लिखेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी साइड की लेंथ दी हुई होगी उसी में ही हम पेरीमीटर को लिखेंगे, और एरिया में हम लिखेंगे विथ पावर 2, सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर साइड मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज अ क्लोज फिगर और अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल एक क्लोज फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड, इट मींस
एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी. एल इज टू टाइम्स एंड बी इज ऑल्सो टू टाइम्स. वी कैन राइट इट एज टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ दोनों को प्लस करके हम टू से मल्टीप्लाई कर दें. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. नाउ सी वन एग्जाम्पल. Suppose length is 4 centimeter and breadth is 3 centimeter. So perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth, that is 2 into 4 plus 3. 4 plus 3 is 7. And 2 into 7 is 14. So the perimeter is 14 centimeter. Area of rectangle is length into breadth. It means 4 into 3, that is 12 centimeter square. Let us start our exercise 11.1. First question is, the length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. So what is given? Length is given 500, breadth is given, breadth is 300 meters and length is 500 meters. What we have to find? We have to find its area and the cost of land if 1 meter of the land cost rupees 10,000. एक rectangular plot है जिसकी length 500 meter है, breadth 300 meter है. हमें उसका एरिया निकालना है और फिर उसकी कॉस्ट निकालनी है. अगर 1 meter स्क्वायर लैंड 10,000 रुपीस की है. सॉल्यूशन. एरिया, लैंड इज रेक्टेंगुलर सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो 500 इनटू 300. Meter square. Next, cost. The cost of 1 meter square of land is rupees 10,000. So the cost of 1,50,000 meter square of land will be 2 lakh 50,000 meter square of land will be the required answer. Now question number 2, find the area of a square park whose perimeter is 320 meter.
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज गिवन पेरीमीटर 320 meter. What we have to find? We have to find area. Area of square. First of all, perimeter is given 320 meter, and for area we want side. Area of square होता है side multiply side. Without side we cannot find area of square. हमें perimeter दिया हुआ है, सबसे पहले हम perimeter से square का area find out करेंगे. Side of square is perimeter upon 4. That is 320 upon 4. 80 meter. The side of square is 80 meter. Now, area of square is side into side. That is 80 into 80. 6400 meter square. Now, question number third. Question number third is, find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square. Area 440 meter square, and the length is 22 meter. Find its perimeter also. What we have to find? We have to find its breadth and perimeter. Solution. Area is given, length is given. So, breadth. Breadth of rectangle is area upon length. 440 upon 22. Cancel it. It will be 20 meter. So, breadth of rectangle is 20 meter. Now, perimeter. Perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. The value of length is 22 and breadth is 20. 22 plus 20 is 42. 2 into 42 is 84 meter. Perimeter of rectangle is 84 meter. Now, question number 4. Question number 4 is, the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. Perimeter 100. And the length is 35 centimeter.
its breadth and area. We have to find its breadth and area. Perimeter is given, length is given. Breadth of rectangle is perimeter upon 2 minus length. 100 upon 2 minus 35. 100 upon 2 means 50, and 50 minus 35 is 15. Breadth of rectangle is 15 centimeter. Area of rectangle is length into breadth. So 35 into 15. Area is 525 centimeter square. Next, question number 5. Question number 5. The area of a square park is same as of a rectangular park. Square park ka jo area hai, उतना ही रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है. साइड ऑफ स्क्वायर इज 60. साइड इज 60 एंड लेंथ इज 90 मीटर. Find the breadth. We have to find the breadth of the rectangle. Side of square is given 60 meter. Length of rectangle is given 90 meter. We have to find the breadth of rectangle. दोनों का area equal है. Square की side दी हुई है. सबसे पहले हम square का area निकालें. Area of square is side means 60 into 60, 3600 meter square. Area of square 3600 meter square है, तो area of rectangle हमारा हो गया, which is also same, 3600 meter square. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एरिया दिया हुआ है, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा होगा एरिया अपॉन लेंथ. थर्टी सिक्स हंड्रेड अपॉन नाइन्टी, 40 मीटर. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 मीटर. Now next, question number 6. In question number 6, a wire is in the shape of a rectangle. Ek wire hai jo रेक्टेंगुलर शेप का है. ऐसे एक वायर दिया हुआ है, ये वायर से ऐसे रेक्टेंगल बनाया हुआ है. इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर.
इस तार से जो रेक्टेंगल बनाया उस रेक्टेंगल की लेंथ 40 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेथ 22 सेंटीमीटर है। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, इसी तार को खोलकर उससे एक स्क्वायर शेप बना दी। तार सेम है, वही तार यहां पे ऐसे एक्सटेंड करके रेक्टेंगुलर शेप दे दी, उस तार को एक स्क्वायर शेप में ऐसे बेंड कर दिया। जो लेंथ तार की यहां है वही लेंथ यहां पर है। इट मींस ये तार की जो पूरी लंबाई है वही सेम तार यूज करके स्क्वायर बनाया गया है। दोनों में लेंथ ऑफ बाउंड्री सेम है, वही वायर यहां है वही वायर यहां है। इट मींस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सेम तार से इसकी बाउंड्री बनी है, उसी तार से इसकी बाउंड्री बनी है। इट मींस द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ बोथ द फिगर इज सेम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर एंड व्हिच एनक्लोजेस द मोर एरिया। वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर एंड एरिया, एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल एज वेल एज स्क्वायर। सॉल्यूशन, लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज 2 इंटू 62 124 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारा 124 सेंटीमीटर है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया, वो भी सेम है, इट मींस 124 सेंटीमीटर। एंड व्हाट विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड होती है पेरीमीटर अपॉन 4, इट मींस 124 अपॉन 4 31 सेंटीमीटर। नाउ व्हिच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, हमें दोनों का एरिया निकालना है। साइड हमारी निकल आई है 31 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ 40 इंटू 22 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, इट मीन्स 31 इंटू 31 दैट इज 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया। और अगर क्वेश्चन में आता है कितना ज्यादा है तो हम दोनों एरिया को माइनस करके उनका डिफरेंस निकाल देंगे। Now next question number 7.
क्वेश्चन नंबर 7 इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर. After that, if the length, if the breadth of rectangle is 30, breadth is given 30, then find length and the area of the rectangle. We have to find length and area of rectangle. Solution. First of all, find length. Length is perimeter upon 2 minus breadth. It means 130 upon 2 minus 30. 130 upon 2 is 65. 65 minus 30 is 35 centimeter. Now, area of rectangle. Area of rectangle is length into breadth. It means 30 into 35. 1050 centimeter square. Area of rectangle is 1050 centimeter square. Now, question number 8. Question number 8 is a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. एक दीवार है जिसमें एक दरवाजा बना हुआ है. One meter and 2 meter, whose length is 2 meter and breadth is 1 meter. The length of the wall is 4.5 meter. Length of wall is 4.5 meter and breadth is 3.6 meter. Now, find the cost of whitewashing the wall. Is diwar par paint karana hai. If the rate of whitewashing is rupees 20 per meter square, we have to find the cost if 1 meter square of whitewashing is rupees 20. What is given? Length 4.5 meter and breadth 3.6 meter. Length of door 2 meter and breadth of door 1 meter. जो पेंट होगा दीवार पे वो दरवाजे पर पेंट नहीं होगा. सबसे पहले हम दीवार का एरिया निकालेंगे. दीवार के एरिया में से हम दरवाजे का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो जिस जगह पर हमें पेंट करना है वो स्पेस हमारा निकल के आ जाएगा. एरिया ऑफ वॉल लेंथ इनटू ब्रेथ 4.5 into 3.6. Area of wall is
3.20 meter square. Area of door is 2 into 1, that is 2 meter square. Area to be whitewash, जिस पर हमें पेंट करना है, -2 14.20 मीटर स्क्वायर. 14.20 पर हमें पेंट करना है. नाउ द कॉस्ट कितने रुपए लग जाएंगे? एक मीटर स्क्वायर में 20 रुपीज लगते हैं, तो 14.20 में कितने रुपए लगेंगे? 14.20 मल्टीप्लाई बाय 20. इट विल बी रुपीज 284. The cost of whitewashing will be ₹284. इस दीवार पे पेंट कराने का खर्च ₹284 आएगा. Now you have to do exercise 11.1 in your fair notebook.